गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोगों को क्लास 10th का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू किया जाए। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I इक्वल टू परावर्तन कोण R। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग होता है, जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का एक आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। इससे उनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, अवतल दर्पण। यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। सेकेंड, उत्तल दर्पण। यदि गोलीय खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। होमवर्क, वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य अक्ष के विषय में लिखिए तथा याद कीजिए।